चीन चुपचाप बढ़ा रहा परमाणु हथियारों का जखीरा। क्या चीन दुनिया को देना चाहता है बड़ी टेंशन? परमाणु हथियारों के मामले में क्या चीन दुनिया का बॉस बनना चाहता है? क्या चीन अमेरिका से भी आगे निकलना चाहता है? क्या चीन भारत को कोई बड़ी टेंशन देना चाहता है? ये ऐसे सवाल हैं जो एक बार फिर चीन की चालाकी के बाद उठने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं शेष भारत। चीन इस वक्त अपने परमाणु हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ा रहा है, जिसको लेकर परमाणु वैज्ञानिकों ने कड़ी चेतावनी दी है, क्योंकि इस तरह के हथियारों से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को खतरा पैदा हो सकता है। क्योंकि ड्रैगन ने पिछले कुछ सालों में चुपके से परमाणु हथियारों की तादाद को बढ़ा लिया है। यही नहीं, चीन अपनी सेना को भी मजबूत बनाने में जुटा है। चीनी सेना ऐसे ऐसे हथियार बना रही है जो दुनिया के लिए काफी घातक सिद्ध हो सकते हैं। दरअसल बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट के 2024 न्यूक्लियर नोटबुक का अनुमान है कि चीनी सेना PLA खुद को मजबूत करने में जुटा है। चीनी सेना ऐसे ऐसे घातक हथियार बनाने में जुटा है जिससे दुनिया को बड़ा खतरा हो सकता है, खासतौर पर भारत और अमेरिका को, क्योंकि सीमा विवाद को लेकर चीन हमेशा भारत से पंगा लेता रहता है। इसके साथ ही उसकी नजर अमेरिका पर भी रहती है, क्योंकि चीन अमेरिका से भी पावरफुल देश बनना चाहता है। क्योंकि हाल ही में पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके मुताबिक माना जा रहा है कि चीन के पास 500 परमाणु हथियार हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मानना है कि ये साल 2030 तक बढ़कर 1000 और 2035 तक बढ़कर 1500 हो जाएगा। इनमें से ज्यादातर हथियारों को रणनीतिक स्थानों पर तैनात रखा गया है। चीन इसे किसी भी समय दागने के लिए तैयार है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि आधुनिकीकरण की आड़ में चीन अपने परमाणु भंडार की वृद्धि कर दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रहा है, क्योंकि चीन लगातार अपने एटॉमिक हथियारों का स्टॉक बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि दुनिया के 9 सबसे ताकतवर परमाणु हथियार संपन्न देशों में चीन सबसे तेजी से अपने एटॉमिक हथियारों को बढ़ाने लगा है, क्योंकि चीन ने हाल ही में सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 3 साइलो बनाए हैं। साइलो जमीन के अंदर ट्यूब जैसी गहरी आकृति होती है जिसमें हथियारों से लैस मिसाइल तैनात रहती है। इसके अलावा चीन ने लिक्विड फ्यूल से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए भी नए साइलो बनाए हैं। इतना ही नहीं, चीन बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए नए वेरिएंट बना रहा है। चीन एडवांस स्ट्रेटेजिक डिलीवरी सिस्टम भी बना रहा है। साथ ही चीन इन मिसाइलों के ऊपर लगाने के लिए न्यूक्लियर वॉरहेड भी बना रहा है। न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या चीन तेजी से बढ़ा रहा है। इसके अलावा चीन ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ड्यूल कैपेबल DF-26 मिसाइल प्रोग्राम को भी बढ़ा दिया है। इस मिसाइल का इस्तेमाल मीडियम रेंज वाली DF-21 परमाणु मिसाइल की जगह किया जाएगा। फिलहाल जो लोग परमाणु हथियार कम करने की अपील पूरी दुनिया से करते हैं, उनके लिए चीन से आई ये खबर ठीक नहीं है, क्योंकि यह हथियार जो चीन बना रहा है वो सबसे घातक है, क्योंकि चीन के पास जमीन पर चलने वाले ट्रक लॉन्चर और साइलो लॉन्चर के अलावा नौसेना के पास भी परमाणु मिसाइलें हैं जो पल भर में तबाही मचा सकते हैं। कहा जाता है कि चीन ने 1962 की जंग के 2 साल बाद ही अपना पहला परमाणु बम बना लिया था। उसी के बाद भारत में भी परमाणु बम बनाने को लेकर जोर दिया गया, लेकिन चीन ने गुपचुप तरीके से परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाया और आज आलम यह है कि चीन के पास 500 परमाणु हथियारों का जखीरा हो गया है, जो दुनिया को टेंशन में डाल रहा है, क्योंकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी चीन के इरादे आक्रामक होते जा रहे हैं। अमेरिका को चुनौती देने की होड़ में चीन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ा रहा है। उसकी नजर इस बात पर भी हो सकती है कि इस इलाके में ताइवान या किसी दूसरी जगह पर अगर वह कदम रखता है तो अमेरिका सहित दूसरे देश इसका विरोध करेंगे और तब वह अपने परमाणु हथियारों की धौंस देकर उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर सकता है। अब सवाल यह है कि भारत के पास तो चीन के मुकाबले आधे से भी कम परमाणु हथियार होने का अनुमान है, तो फिर इस चुनौती का भारत के पास क्या जवाब हो सकता है? एक जवाब तो यह है कि भारत अपने परमाणु हथियारों के ठिकानों का पता न लगने दे।
और जरूरी होने पर पूरी कोशिश करे कि इनके जरिए चीन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी के सामने ये काम हालांकि आसान नहीं है। ऐसे में भारत ने अपने परमाणु हथियारों को समुद्री इलाके में ले जाने पर जोर दिया है, वहां इन्हें छिपाना ज्यादा सुविधाजनक होता है। भारत की परमाणु हथियारों से लैस अरिहंत क्लास की पनडुब्बी 2018 में ही नौसेना में शामिल हो गई थी। दूसरी ऐसी पनडुब्बी अरिघात का ट्रायल भी लगातार किया गया। इसके अलावा ऐसी दो और पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। हालांकि इसमें भी भारत को अपनी क्षमता को और बढ़ाना होगा, क्योंकि समुद्र में ऐसी पनडुब्बियों को दुश्मन के रडार और सर्विलांस सिस्टम की नजरों से बचाए रखना होगा। साथ ही ज्यादा रेंज वाली मिसाइलों पर भी भारत को काम करना होगा, तभी जाकर चीन की चालाकी का तोड़ निकल पाएगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।